ये तो मलबारी में खाता है। ये लड़का मलबारी है क्या? नहीं देखो, हम मलबारी भी आती है मेरे को पढ़ने। आती है? हाँ। मैं एक दफा मलबार में भी पैदा हुआ था। क्या मतलब है? हाँ, मैं पहले ईरान में पैदा हुआ ना, वहां भट्टे हो रहे थे, तो मुनासिब नहीं समझा, फिर मलबार में पैदा हुआ। लिखे इधर आके सुनाओ ना। सुना रहे ना भाई, खाता बोलो। तर्जुमे के साथ? तर्जुमे के साथ सुनाते। लिखा है इल्ले अंटे नागुंडी अंटे पोड़ चिल्ले। इसका मतलब है मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है तुम भी खैरियत से होंगे। గిడిగిటిల్లే అంటే ఇల్లే మాపడో వట్టడి మొబ్బుతా డక్టే ఐ లవ్ యూ వట్టయ్య అంట వట్టడి ఏదో మొబ్బుతట్టని చాందడి రట్టయ్య వట్ట మావుడు ఇస్కా మతలబ్ హై క్యా తుమ్ భీ మేరీ తరహ చాందని రాత్ మే చాంద్ కో దేఖ్ కే ముజే యాద్ కర్తీ హో ఆగె ఉడి ఆగె మలబారీ బహుత్ తపావా భాయి క్యా కహ రహే గుస్సే మే క్యా కహ రహే ఇల్లి మాటయ్యారా మావుడు అట్టడి వడియన మావుడు వడివి రెండు తాడి వాటవ చాకుడయ్యల అట్టడియన వాల్దే అట్టయ్య మావుడు అట్టడి మదరియాల ఇస్కా క్యా మతలబ్ హై క్యా మతలబ్ హై అగర్ తుమ్నే ఉస్సే షాదీ కా వాదా నీ కియా ఔర్ తుమ్హారే బాబా అప్నే కో పంగా కియా तो मैं उन्हें चाकू मारूंगा और तुम्हें लेके भाग जाऊंगा। चार्ली, बोलो बोलो, तुम हमारा खत लिख दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर एक शर्त है। किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं, एक शर्त है। क्या? आप खत हमसे ही पढ़वाएंगी। क्यों? जरा इससे दिल की भड़ास निकल जाती है। अल्लाह तू ही अगर ही होगा। अब इस बेवकूफ को क्या पता इसे मलबारी बन के खत भी मैं ही लिखता। क्या चक्कर चला रहा है इस घर में बाबला तू? अबे तू क्या पायलट बन के फिरता है, है? और सारा दिन कागज के झाल उड़ाता रहता है। अबे यार, बचपन के शौक इसी तरह पूरे कर रहे हो यार। मैं तो बाबू डिस्को डांसर। यार ये बेल्ट में कीले लगी हुई है, ये मुझे दे दे, अपने सेठ साहब का सर फाड़ दूंगा मैं। ईमान यार, वैसे देख ईमान से यार, फंसा दिया मुझे यहाँ लाके यार। किसी को पता नहीं चले क्या? समझे, अगर अगर किसी मसलहत के तहत यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तेरे को तो पता ही, सारा प्रोग्राम बताया यार, खाना का पुल खुलवाया। तू तो यहाँ पर ये कह के लाया था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों फंसाया यहाँ पर? तो तूने भी तो गर्लफ्रेंड बना ली, फोकट में लड़कियां देखता है। ये बात तो है, तनख्वाह अलग से मिलती है, खाना पीना फ्री, छत पे दोनों भाई सोते अलग से। अरे कहा यार, 11 महीने की तनख्वाह नहीं दी है इन लोगों ने। अबे छोड़ तनख्वाह को, ये बता सर मामला सेट चल रहा है। अरे क्या सेट चल रहा है यार, ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। अबे यार ये तो कुछ भी नहीं है बाबू, समझे? अरे घर में टोपी उतार दिया करे, ये तो कुछ भी नहीं है। कसम खुदा की, हमारे चाचा तो इससे बड़े अकले थे। क्या वो एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए, हाँ। और बच्चे की मुबारकबाद देके वापस आए। बात तो सुन यार, अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। अच्छा, और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले? अंडे में से चूजा ही निकलेगा, हाथी का बच्चा तो नहीं निकलेगा यार। तो शादी के बाद बच्चे की मुबारकबाद होती है, तलाक की नहीं होती बाबू। अबे तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं, खुदा की कसम तेरा कोई दीन ईमान नहीं है। जहां देखो लड़की खड़ा हो जाता है, फ्लैट के सामने, मकान के सामने, दुकान के सामने, कोई कैरेक्टर है तेरा? कैरेक्टर है, तू तो आगे बंद कर लेता, लड़की ना देखूं आगे बंद कर लू, रिक्शा से टकरा जाऊं। ये चाहते हो तुम? वो इलियास पान वाले के सामने जो नए फ्लैट बने, वहां क्यों खड़ा होता है तू? अबे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, अल्लाह का करम है, 25 साल का फ्लैटों के सामने खड़े होने का तजुर्बा है भाई। अच्छा, कुछ उस एक्सपीरियंस में कुछ किया तूने? क्या किया? मेरे आजकल मेरे इशारेबाजी के स्टाइल पूरे शहर में आम है। देख ये नया स्टाइल अभी दिया है 6 महीने पहले। ये अबे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर मिलो। देख इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर मिलो, और अगर तुम इधर उधर नहीं मिलना चाहते तो बीच की मांग निकाल के जाओ। इसका मतलब है सीधी आ जा, सीधी आ जा, इधर उधर खतरा है, सीधी आ जा, सीधी आ जा। अबे बड़ा चालाक बनता है, अभी पता चल जाता है कितना जानता है तू। अगर आदमी गंजा हो तो इसका मतलब है मैदान में मिलो। अबे अबे बड़ा पक्का है तू चार्ली ईमान से। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या यार, मैं तो वहां पे खड़ा होता था, हाँ। फ्लैटों के सामने, हाँ। अपनी तो ईद तेरे को पता है स्टाइल, हाँ। एक दिन खड़ा था उधर, हाँ। अपना क्या नाम है पान वाला इदरीस के उधर, हाँ। पान के खोखे बाद तीसरे माले पे लड़की थी भाई, हाँ। उस्ताद सुनी मेरे को देखा, किट किट में लड़का यार,
स्टाइल बैड बैड यू नो लाइक मथन चक्रवर्ती मैं खड़ेला बाप ऐसा पन वाले की दुकान पे गया ऊपर वो खड़े ली उसने मेरे को ऐसा इशारा मारा ए फिर बोली ऊपर आया फिर अरे मैं वहां संभला मैंने बोला ए अब्बा बोलेगी नो अब्बा अब्बा इज दबा कमान उसने तुझे ये कहा कि अब्बा नहीं कमान ऊपर आ जाओ तू गया ऊपर नहीं मैंने बोला तीसरी मंजिल पे पैदल कौन आएगा बोलेगी मैं जो हूँ उसने सब्जी की टोकरी फेंकी मैं उसमें बैठा उनने खींची मैं ऊपर भाई 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 अपने से नहीं बर्दाश्त हो रही अबे हम भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते इतनी लंबी तो नहीं छोड़ी यार अबे सब्जी की टोकरी में कौन ऊपर जाता है यार मेरा दिमाग फट जाएगा यार पूरी बात तो सुनता नहीं उनने टोकरी फेंकी मैं बैठा उनने खींची टोकरी टूटी मैं सीढ़ियों से गया था पूरी बात तो सुनो तो पूरी बात बता दिया करना जल्दी से यार हम भी आदमी देख के छोड़ते हैं बाबू अच्छा फिर क्या हुआ हुआ क्या भरी जान मैं ऊपर गया तेरा भाई ट्विट में जोनो अबे ऊपर गया आगे बात कर यार पूरा बताऊंगा सीना यार मैं ऊपर गया दरवाजा खोला उधर अंदर देखा अबे उसका बाप बैठा हुआ दाल चावल खा रहे मैं ये खींच के मार दूंगा दोगले अभी कह रहा था कि लड़की ने इशारा किया कि आ जाओ बाप नहीं अभी कह रहा बाप बैठा था वही तो मैं भी तपाऊं हाँ मैंने कहा कौन है तू वो कहने लगा मैं यहाँ रहता हूँ मैंने कहा मैं यहाँ आता हूँ बस भाई इतना कहना था फिर एक अजीब अफरा तफरी शुरू हो गई कमरे में ओए 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 डंडे चले बोतलें चली ये वो हुआ मैं तो उसके बाप के लिपट गया उसको नहीं छोड़ा जितने डंडे मुझे पड़े उतने उसके बाप को भी पड़े तूने मारा अरे मैंने मारा पंगा मैंने बोला क्या मेरे को कहा ने बोला बातें सुना रही है तू तो तूने कहा नहीं कि तेरी बेटी ने बुलाया मुझे मैंने बोला तेरी बेटी ने बुलाया यार ये देखो उसने मेरे को इशारा करके बोला ऊपर आने बोला तूने इसकी बात का एतबार क्यों मैंने तुम गलत पागल बच्चे ये देख सर्टिफिकेट इसका तो इलाज हो रहा है ये तो पागल है अबे खुदा की कसम चार्ली बच गया तू तो अगर तेरी शादी हो जाती तो बच्चे ऐसे ही हो जाए अबे यार चार्ली मेरा ख्याल है हमारे नसीब में शादी है ही नहीं यार यार मेरे तो नसीब में तीन चार है बाबू अरे यार छोड़ अभी थोड़े दिन पहले तीन महीने पहले की बात है अच्छा खासा दूल्हा बनते बनते रह गया यार तू हाँ सहरा बन गया घोड़े पे बैठ गया बाराती आ गए बाजे बाजे शुरू हो गए बैंड बाजे ने धुन बजाना शुरू कर दी मुकड़े पे सहरा डाले बाजाओ आने वाले अबे रुक जा वो भी इसी तरह बजाए चले जा रहे थे बजाए चले यही बाजे वाले थे हाँ अबे इनको मैंने बड़ा तपाया कैसे ये हमारी बिल्डिंग में आता ना इतना बड़ा मुंह खुला हुआ मैं ऊपर से बजरी डाल देता था अरे नहीं फिर कैसे बजा देते अरे चार्ली यार बिल्कुल इसी तरह बैंड बाजे बज रहे थे चारों तरफ बाराती थे मैं सहरा बांधे हुए घोड़े पे बैठा हुआ था ऐसे में शोर शराबे का फायदा उठाते हुए किसी जलील बाराती ने बड़ी घटिया हरकत की अबे जलता हुआ सिगरेट लेके घोड़े के यहाँ पर लगा दिया खुदा की कसम घोड़ा ऐसा भागा भागे चला जा रहा है मियां मोदी ने और आज का दिन भगोड़ा दूल्हा मशहूर हो गया बड़ा दुख हुआ बाबू मगर तेरे से ज्यादा अपनी कहानी में ट्रेजेडी है क्या तेरा तो निकाह नहीं हुआ था ना नहीं नहीं मेरा तो निकाह हो गया अबे नहीं काजी के बराबर में बैठा था बाबू मैंने तो उसकी जेब भी काट ली अबे क्या कह रहे सही बोल रहा हूँ अचानक अब्बा ने चिरान करी वो आए और छुआरों की जगह पे चने बांटने शुरू कर दिए क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ यार अबे साले मैं खींच के मार दूंगा तुझे अबे छुआरे की जगह चने कौन बांटता है यार अभी तुम्हारा घोड़ा हमने रोका था दोस्त का घोड़ा था इसलिए भागने दिया बाबू ऐसा वैसा होता